रिति ऐसे मत करा करो, वीडियो आते अच्छे से बैठा करो वरना सब बोलेंगे रिति देखो कितनी बदमाश हो गई है। पहले तो ये दीक्षा बहुत अच्छी बच्ची थी, देखना ही हमारे यहाँ क्या हो रहा है, सब यही बैठे हैं। कफी की एक्टिंग कफी देख रहा है, इसकी एक्टिंग देख 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 कफी देख रहा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? गर्मी बहुत ज़्यादा भयंकर पड़ते हुए हम जस्ट अभी उठ के आए, 9:30 थोड़ा लेट हो गए। और उठते ही हमारे यहाँ का दिल्ली का जो रूटीन है वही है, काम वाली का नाना, ठीक है। फिलहाल खा रहे पनीर के पराठे, तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। क्या लग रहा है ये पनीर? चलो बन गए पराठे, आज पराठे खाने का मन था मेरा, तो मैंने बोला मम्मी पराठे बना देना पनीर के, और बनाई है भिंडी की सब्जी। मुबारक हो आपको, मुबारक हो। काम वाली आ गई, ओ भाई 10:30 बजे हमने उम्मीद छोड़ दी क्योंकि ये आती है 8 बजे, उसके बाद आती नहीं है कभी भी, बट आज आ गई। ये कौन है? रितिक्षा मामू है, मामू। चलो खाने के लिए बैठते हैं और फिर खा लेते हैं। आज तो मशीन भी लगी है, मेरे पैर में स्वेलिंग हो रखी है और मेरे हाथ दिख रहे हैं, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है नहीं, ये 2 कट दिख रहे हो शायद ना, एक ये 3 कट थे, ये पूरे हाथ पे पिंपल हो रखे हैं। पिंपल नहीं, एलर्जी लगा लो। मैंने चूड़ा पहना कीर्तन वाले दिन, उसके बाद 3 दिन हो गए मुझे परेशानी में, चूड़े से नहीं दिख रहा है इसमें ना, इतनी अंदर खुजली होती है, ईचिंग होती है। मैं डेली ऑयल लगा दी, पापा फिर कर मेरे लिए क्रीम लेके आए जिससे कि ईचिंग ना हो, तो उस क्रीम से कल रात से बैठे हैं ये पिंपल ना। हाँ वरना इतनी भयंकर थी, कल तो एलर्जी हो रखी थी पूरे हाथों में, चूड़े से बोल रहे थे कि प्रेगनेंसी की साइड इफेक्ट है ये, कि प्रेगनेंसी में हो गए होंगे। तो वैसे मैंने चूड़ा बहुत बार पहन रखा है, बट ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतना बुरा हाल है, और ये 3 दिन हो गए कीर्तन को, 3 दिन बाद ही थोड़ा सा अब थोड़ा नॉर्मल लग रहा है। कल मैं दिखाती तो हाथ में स्वेलिंग आ रखी थी मेरे पूरे, मम्मी ने रात को भी क्रीम व्रीम लगाई, पापा ने पता क्रीम लाए, अब स्वेलिंग से थोड़ा ठीक हुआ है। बहुत ही बुरा हाल था पैरों का, हाथों का, और आज पैरों में भी बहुत पेन है मेरे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा और नई नई तकलीफें आती रहेगी, बट कोई बात नहीं, फोकस ऑन पनीर का पराठा। मम्मी दही है या दूध पी लो अपना, ठीक है। कैसी लग रही है ये भूतनी? रिति रिति मटक चालोगी, मटक चालोगी, मटक बेइज्जती करवा रहे हैं, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं दूध के। रितिक्षा बेबू मटक चालूंगी, मटक इग्नोर कर दी बिल्कुल ही। डैडी खेल लो, अरिति एक्टिंग कर रहा है, जल्दी कर भाई, मैं टाइम बनू का ना करूंगी। टफी को नहीं खिला सकते, देविश डरता है टफी, देविश के बाद टफी को खोलेंगे है ना। हो गई है, और आज अब काम खत्म हुआ है, 1:30 हो गए भाई। मतलब ऐसा लगता होगा आप लोगों के घर तो छोटा सा काम नहीं होता, मम्मी ने बर्तन कपड़े धोए, मेरी बहन ने ऊपर से झाड़ू लगाई, मम्मी ने ऊपर से पोछा लगाया, कूलर साफ किया, मैंने किचन साफ की, फिर हमारी काम वाली आ गई, तो उसने नीचे यहाँ क्या करती है, मतलब वो एक तरफ का झाड़ू पोछा ऊपर का नहीं करती। फिर कल आंधी आई थी तो इतनी डस्टिंग मस्टिंग, बाहर के सारे कोप सब कवर वावर चेंज करने, घर साफ करना, वो मेरा काम था रोटी बनाने का, तो साइड प्लेस इसने बहुत कर दिया आज, इसलिए उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैं ही बनाऊंगी। साइड हो जा शीतल, हट जा।
देखो ये दे रही हूँ मैं ऐसे अपने आप तोड़ लिया, दिखाओ रितिक्षा। हाँ ये लो, लो वेरी गुड। हमने इसको कुछ भी बोतल से इन सबसे नहीं सिखाया, डायरेक्ट चम्मचों से सिखाया, डायरेक्ट प्लेटों में, कटोरियों में और गिलास में पानी पीना, वरना बोतल लगानी इजी है, पर बोतल हटाने में बच्चों को साल साल लग जाते हैं। ये लो, वेरी गुड, खा लो। चलो तो शाम हो गई है, अब हम खा लेते हैं। दोपहर मेरे पैरों में बहुत दर्द, तो मेरी बहन मेरे पैर दबा रही थी, आप लोगों ने देखा ही है ना लगती, क्या करनी थी तेरी मम्मा, मोसी की पैर दबा ली थी। हाँ ले, ये क्या कर रही है, क्यों निकाल दिया, अच्छा नहीं लगा है। भगवत गीता पढ़ने, पूजा करने पढ़ ली मैंने, मैंने कहा जब तक मैं जाऊँगी ना मैं ख़त्म कर दूँगी एक बार पूरी। अभी मैं 9th पे हूँ, और मतलब अभी ना 2-3 बहुत छोटे छोटे पार्ट आएंगे, फिलहाल मैं दिन का एक कर रही हूँ, बट जब छोटे आएंगे तो मैं 2 कर लूँगी दिन के, 2-3 छोटे छोटे हैं लास्ट के 12-13 ऐसे। गर्मी कितनी भयंकर है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। मैंने गेट भी खोल रखा है पीछे का, मैंने इसे चलाया क्योंकि 10 मिनट की बात थी, मुझे था पढ़ के जाऊँगी आधा ही घंटे में फिर चलाऊँगी, पर मैं चलूँ नीचे। आज खाना नहीं खाया और आज बाहर से आया है, आज मोमोज आए हैं। तो एक बात तो था कि आलू मटर बनाएंगे सूखे वाले, मेरा बहुत ज़्यादा मन था सूखे वाले आलू मटर का, फिर मोमोज की बात आ गई, मैंने बोला ओके। रितु देखना, रिति बेबू, बेबू रिमोट मिल गया इसी का, इसको इसको रिमोट चाहिए पूरा, कॉपी के बैठ गए, मजे आए। 9:30 हो गए, मम्मी बना रही है खाना, हम बैठे आराम से पनीर भुर्जी देख रहे हैं, पापा अपने लिए, और कपिल शर्मा शो देख रहे हैं, थोड़ा पुराना है, टफी मेरे सिक्योरिटी में मेरे आगे, कपिल शर्मा मुझे कुछ बोलना दे, प्रतीक्षा ये लो, प्रतीक्षा ये लो, देखो ये लो के नाम पे, ये लो पी लो, ये लो रीति पी लो, ये लो पीन के उसमें आ जाओगे ना, ये लो ये खा लो, चप्पल है यहाँ पे, ले रहती मम्मी, रिमोट मिल गया इसको, आज ऐसे फेंक फेंक के मार रही है, पाते नानू देखा ना फिर बताएंगे तुझे अच्छे से। मटक चालूंगी, कहीं भी इससे सुना दो, कहीं भी उससे सुना दो, उस टाइम डांस करने लग जाऊंगी इस गाने पे। तो इसकी माँ बोलती है, इसकी मम्मी, कि मैं अपने इशारा बनना चाहती हूँ रिति को, रिति मटक चालूंगी, देखो इशारा बनना चाहती हूँ, डम डम, अब देख रिमोट लेके करेगी, रिमोट ले तब करेगी सारा काम, अब इसको निकाल दिए सर, दीक्षा अच्छा थोड़ी देर ऊपर घूमूंगी या बाहर घूमूंगी, थोड़ा मेरा घूमना कम हो गया, नहीं ऐसे घर में तो मैं बहुत ही घूमती हूँ, यहाँ वहाँ से तो बहुत घूमती हूँ, वहाँ तो मैं कमरे किचन, कमरा किचन बाहर, मेरा मन ही नहीं करता ड्राइंग रूम में बैठने का, ड्राइंग रूम में तो मतलब ही नहीं, कोई बैठेगा, काम चल रहा था पहले तो बैठ नहीं करते, अब तो कोई दिन गर्मी में कौन बाहर बैठेगा भाई, और हाँ थोड़ा फिर आ रहा है तो शीशे वीशे लगेंगे पैनल में, पर कोई पर रूटीन बन गया, वहाँ मजा भी आवे घूमने में, घर में आते तो काम 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 काम, खाना 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 खाना, फिर खाना ना होगी तो 9:30 हो जाओगे, फिर अब वो भगवत गीता भी पढ़ना है, पढ़नी रहे अब तो एक घंटा उस टाइम निकालना रहे, नहाना धोना पड़ा है, बाहर तो आते समझना करता है ऐसे कपड़ों में बैठ के भगवत गीता पढ़ेगा, सोचो नहा धो के पढ़ूँ, फिर फटाफट खाना खाना, फिर याद है फिर इसका खाना खाना, वही चलता रहे मेरे दिमाग में,
टेंशन फ्री होगा ना जब सब हो जाए उसके बाद ही। हाँ मतलब इस टाइम में आ जाऊंगी अलग रूटीन लेकिन पार्क में धूप ना है बाहर तो धूप है। हम जब बाइक पर धूप लगे लेकिन दो मिनट का धूप है फिर तो फिर कब घूमूंगी घर पे ना घूम सकते घर पे छत पे ना 7:30 तक धूप रहा छत पे और 7 के बाद चली गई घूमने पहले जाए करती तो खाना और फिर भगवत गीता भी अब भाई और भी है क्या मैं कभी कपड़े धोए हैं वे सुबह अपने तैयार करनी है आयरन करनी नहाना धोना अब हाँ बहुत कोई बात नहीं और किचन में कुछ भी एक्स्ट्रा करने लग जाऊँ ना कुछ भी एक्स्ट्रा आज मेरे ये मूंग दाल के सिल्ला खाने का मैंने सोचो आधा घंटा लगेगा फिर सोचो अच्छा से बना बड़ा बनाना और ना बना फिर तो छोड़ यार बना एक ही चीज़ बना दे और कभी कभी तबीयत खराब मूड खराब हो तो बाढ़ वो तो कोई बड़ी बात नहीं मूड खराब हो तो मैं करती रहूं मूड खराब हो तो भी क्या रसोई में नहीं कमरे में रहो चाहे कमरे में खाना बनवा लो क्योंकि एसी आता है ना हां हां कमरे में रहो सही करवा दे तुम्हें मां और चिपनी लगवा दे ना भाई ना पर तू घूमते नहीं हो ना ना आटा पर तो मैंने 2 महीने बाद 2-3 महीने बाद ही मैंने बाहर मारने शुरू कर दिया मैं आटा नू गूंद रही क्योंकि मम्मी तो लेट आई थी ना मैंने मम्मी तो मैं आटा नू गूंदू मैं ये काम कर रही हूँ आटा गूंद लो आटा गूंद लो हाँ क्योंकि स्टार्टिंग में मम्मी था आटा में गूंदू और जो मैंने 2 दिन बाद आटा गूंद दिया था मम्मी की तबीयत खराब थी एक दिन और मेरी कमर इतना दर्द हुआ मेरी कमर में उसके बाद प्रेशर कमर पर पेट पे वॉशरूम आ गया सारा और इतना ज्यादा तो दो का तो मैं गूंदू वो तो मैं स्केयर अपने लंच लुंच में तो जब मैं गूंदू मैं ले दो की भी लेकिन वैसे सारे बीमारे 7-8 लोग हैं तो इतना ज्यादा आटा गूंदे हैं बहुत दर्द हो जाए कमर में बहुत टाइम लग जाए भाई हमारे यहाँ थोड़ा फर्क भी है मम्मी उन्हें कितने साल हो गए आटा गूंदते जल्दी जल्दी गूंदते हैं गूंदे हुए हाँ पहले तो खूब गूंदे करती मैं लेकिन ये मैं सोचू आटा तो कत्ती ना गूंदू कुछ भी करना चाहिए सही बात है इसमें कोई मतलब ना है मारते हमारी बात होते हैं मटक चालूंगी रीति 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 छोना बेबी छोना पुतू वो चाहिए रिमोट ये सुहाई नहीं हमने आज दोपहर में से उठी उसके बाद कि रात को सोएंगे मैंने रात को मैडम 2 बजे सोती है हटा उठ रही है देख कैसे उठी है अब हाथ मारे है रिमोट छूट गया तब अब तो वो और फेस बदलेगा इसका दांत आऊंगे ना सारे तब बहुत फेस बदलेगा इसका ऐसे ही लगेगी सेम टू सेम अलग क्या है क्या है प्रतीक्षा बाय आपको प्रतीक्षा बाय प्रतीक्षा बाय करो मौसी को मेरा दूध बाहर रख दो मौसी बाय नहीं करे मेरे साथ तो पहुंचा आ रही है मौसी चलो टफी चलेगा यहीं चीज होएगा आज टफी चलो वेरी गुड बहुत अच्छी बात है मेरा सूट देखो बाहर रखा है मम्मी सूट को ना नीचे ही रख दो क्या हाँ ओके सो ऊपर आ गई है चेंज कर लिया गर्मी है बस बारिश हो जाए मैं तो यही चाहती हूँ थोड़ी सी तो बढ़िया हो जाएगा
फिलहाल आज का व्लॉग थोड़ा छोटा बना है, एक सेकंड फ़ोन आ रहा है। कल मैं रात को पैरों की भी फुट मसाज करने लगी हूँ। मुझे कहा था कि रात को हल्के से ना पैर की मालिश करेंगे तो बहुत सही नींद आती है, वो तो मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने 3 दिन की और 3 दिन मेरी नस पे नस चढ़ती है अब रात को ना। आई थिंक ये न्यू मंथ के न्यू सिम्टम्स है आई थिंक। सो कल तो ऐसा हुआ कि रात को 7 बार मेरी नस पे नस चढ़ी, तो वो बहुत पेनफुल था मेरे लिए। और मतलब मुझे पूरा बेड का राउंड लगाना पड़ता था, वो ऐसा ठीक होता है पैर, फिर वहाँ से टाइट हो जाता है, फिर दोबारा। मतलब कल तो मुझे मसाज का फ़ायदा नहीं दिखा, दोनों तीनों दिन मुझे और ही नहीं दिक्कत हुई। आज देखते मैं आज भी करूँगी, उस टाइम तो बहुत रिलैक्स होता है। वैसे तो मेरी मम्मी मुझे नीचे कर देती थी, बट आज मैं खुद ही करूँगी अपने पैरों में मसाज। मैं ऊपर ऑयल ले आई हूँ, नारियल के ऑयल से ही कर लूँगी। पेट पर तो मैं अपनी क्रीम लगाती हूँ, वही लगाऊँगी। और अब इचिंग होती है पेट पर पहले से कहीं ज़्यादा, अब वो देसी नुस्खा मेरे साथ नहीं है तो मुझे ऐसा लगा रहता है कि हाँ मुझे इचिंग हो रही है। और आज का व्लॉग थोड़ा छोटा भी है मुझे पता है, बट यही था आज का सारा व्लॉग, आप लोगों को देख लिया होगा। अब देखते हैं कि वैसे तो ये तो मुझे बोल रहे हैं कि मैं आ जाऊँगा लेने अभी, मतलब 1-2 दिन में। मैं थोड़ा मना कर रही हूँ कि नहीं, रुक जाते हैं 1-2 दिन और रुक जाते हैं। सो देखते हैं कब तक मानते हैं, क्योंकि 1 वीक तो रुकूंगी ही, 6 to 7 days तो मैं रुकती ही हूँ। बट मैं मुझे थोड़ा सा ऊपर हो जाए, क्योंकि शीतल तो भी यहाँ है रितिक्षा के साथ, और वैसे भी थोड़ा सा फ्री हूँ यहाँ पे, और ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है अभी, रिलैक्स हूँ काफ़ी। तो चाह रही थी मैं कि यहाँ पे रुकूँ तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। देखते हैं, मान गए वो तो रुकूँगी, नहीं मानेंगे तो जाना है ही। मुझे वो 10 दिन कर लेती है, आपके पास 10 दिन नहीं, क्योंकि मैं आज तक इतने दिन नहीं रुकती, मैं शादी से अब तक मैं इतने दिन ही रुकती हूँ हमेशा से। ठीक है, कोई बात नहीं, फ़िलहाल मैं अपने पैरों की मसाज करती हूँ पेट की, और फिर सोते हैं। आई होप कि आज अच्छी नींद आए रात को। रात को ये वॉशरूम का पानी का देखो 2 बोतल आई हूँ मैं, ये और ये, सुबह दोनों ख़त्म कर देती हूँ, कुछ नहीं बचता। मतलब दोनों पानी पी जाती हूँ, पोर्स सूख जाते तो पानी पीना पड़ता है, और जितना पानी पीऊँगी उतना वॉशरूम। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हाथ में बहुत ज़्यादा पेन है अभी भी, देख लो आप, 3 दिन हो गए हैं अभी। और वो तो दवाई लाए पापा, उससे थोड़ा फ़र्क पड़ा, ट्यूब थी वो वाइट क्रीम, वरना मुझे नेक्स्ट लेवल ही इचिंग और पेन था। बट कोई बात नहीं, थोड़ा और टेस्ट कर ले शीतल, कोई दिक्कत नहीं। तेरे यू शो तो देखने के लिए एडवर्टीजमेंट तो सब आए, कोई बात नहीं। दीक्षा सो गई है, और अब हम दोनों भी थोड़ी देर बाद सो जाएंगे। मेरे भाई को बोला आने के लिए, देखते आएगा क्या करेगा, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। ठीक है गाइस, गुड नाइट, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।